दोस्तों, अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, अगर आप एक छोटी क्रिएटर हो, आपके वीडियो पर 0, 10, 15, 20, 25 व्यूज आते हैं, दोस्तों आप लोगों के लिए यूट्यूब ने एक ऐसा अपडेट लाया है जिसका यूज करके जो छोटे क्रिएटर हैं वो अपने वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं और उनकी वीडियो पर 1, 2, 10, 15, 100, 50, 1000 व्यूज नहीं आने वाले हैं, लाखों में व्यूज आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस अपडेट को पहले समझना होगा कि आखिर ये क्या अपडेट है और यूट्यूब ने इस अपडेट को आखिर छोटे क्रिएटर के लिए क्यों दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू नो यू कैन यूज कंटेंट गैप्स एज इंस्पिरेशन टू क्रिएट कंटेंट। ये यूट्यूब का कहना है और इस अपडेट को यूट्यूब ने YT स्टूडियो में दिया है। लेकिन इस अपडेट के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आपने इस अपडेट को अच्छे से समझ लिया तो फिर आप लोग अपने वीडियो को चुटकियों में वायरल कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग मुझे ज्ञान देने आएंगे कि भाई तू पहले अपने वीडियो को वायरल कर ले। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर अभी आप देखो, पहले यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे ऑडियंस है और यहाँ पे रिसर्च है। और यहाँ पे देखो लिखा है कंटेंट गैप, ये यूट्यूब ने सर्च किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है रिसेंट ऑडियंस एक्टिविटी। और यहाँ पे मैं देखो आपको दिखाता हूँ, देखो लिखा हुआ यूट्यूब का कहना है, आ कंटेंट गैप अराइजेज व्हेन व्यूअर्स स्ट्रगल टू फाइंड क्वालिटी सर्च रिजल्ट ऑन यूट्यूब आफ्टर डू टू आ लक ऑफ रिलेवेंट आर अप टू डेट कंटेंट। यानी कि दोस्तों यूट्यूब का कहना है कि अगर आप कोई ऐसे कंटेंट पर काम करते हो जो कि यूट्यूब पर बहुत कम लोग बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कंटेंट गैप, यानी कि कंटेंट में कमी होना, दूरी होना। गैप का मतलब क्या हुआ, वही हुआ, दूरी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दूरी तो बोलेंगे नहीं कंटेंट में, लेकिन यहाँ पर हम दूरी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में क्या बोलेंगे, कमी बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका घर यहाँ पे है, प्रेजेंट में आप जहाँ पे रहते हो वो आपका घर है, लेकिन आपके घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक किराना स्टोर पड़ता है। आपके गाँव में जितने भी घर हैं या फिर आसपास के जितने भी घर हैं, वो सभी लोग उस 7 किलोमीटर की दूरी को तय करके रोज़ जाते हैं, वहाँ सामान को लाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर दोस्तों मैं अपनी शॉप आपके घर के नज़दीक में खोल दूं, तो क्या आप 7 किलोमीटर चलना पसंद करोगे? नहीं जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपको वही सामान नज़दीक में मिल रहा है। जितना दूरी आप वहां पे जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपना पैसा वेस्ट करते हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेते हो, अगर दोस्तों वही सेम प्राइस में आपको वही प्रोडक्ट आपके घर के पास में मिल जाए, तो क्या आप दूर जाना पसंद करोगे? नहीं जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपको सेम प्राइस में आपके घर के पास ही वो सामान मिल जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों YouTube का भी यही सेम कहना है कि यहाँ पर YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग कैटेगरी पर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों YouTube पर इतने सारे क्रिएटर होने के बाद भी YouTube पर कुछ ऐसे वीडियोज की कमी है जिनको क्रिएटर पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग उस कंटेंट पर काम करो और उस टाइप की वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करो, वो जो कंटेंट का गैप है, यानी कि कंटेंट की जो कमी है, वो कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, क्योंकि उस टॉपिक पर कोई काम नहीं कर रहा है। ये आपको पता कैसे चलेगा? YT स्टूडियो की मदद से, क्योंकि ये अपडेट YT स्टूडियो में ही आया है और उसी की मदद से आप इसको पता कर सकते हो। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ने साफ साफ आपको सब कुछ लिख करके बताया है, समझाया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं YT स्टूडियो पर, फिर आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं करना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपने YT स्टूडियो पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंटेंट गैप को समझने से पहले उन लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखाने देना चाहते हैं जिन लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। आप लोग यहाँ पर पहले आंखें खोल करके देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या लिखा मिल रहा है, ये 28 दिन का डेटा है, 1.2 लाख व्यूज। मेरी वीडियो पर इतने सारे व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? आप लोगों को बेशक लग रहा होगा कि वीडियो पर 200-400 व्यूज आते हैं, लेकिन मेरी वीडियो पर तुरंत व्यूज नहीं आते हैं। मेरी वीडियो जाती है सर्च में, लेकिन कब जाती है? कुछ टाइम के बाद जाती है। प्रूफ दिखाऊँ आपको? चलिए वो भी दिखा देते हैं ताकि आपका यहाँ पे जो है डाउट क्लियर रहे। यहाँ पे आपको एक कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। देखो इस वीडियो को मैंने कब अपलोड किया था, 2 सप्ताह पहले, यानी कि 14 दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था और इस वीडियो पर कितने व्यूज हैं, 1000। जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था तो इस टाइप की वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते थे। जब मैंने दोस्तों इस वीडियो को अपलोड किया था ना, मेरे इस वीडियो पर 3 दिन मैंने इस वीडियो को देखा था, मेरे 3 दिन में इस वीडियो पर व्यूज थे मात्र 70 व्यूज। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मात्र 70 व्यूज थे मेरी इस वीडियो पर 3 दिनों में। और अभी देख पा रहे हो इस वीडियो पर कितने व्यूज हैं, 1000। कहाँ से आए इतने सारे व्यूज, चलिए वो भी दिखाते हैं। इस पर क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ परफॉर्मेंस पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा देखो यहाँ पर पारा कितना जा रहा था, यहाँ पर देखो बिल्कुल फ्लैट जा रहा था ना, बिल्कुल सीधी जा रही थी। उसके बाद सडनली ये एकदम ऊपर की तरफ भागने लगा। और यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे इस वीडियो से 35 घंटे का वॉच टाइम मिला है, 35 घंटे का। सब्सक्राइबर कितने मिले हैं, 14 सब्सक्राइबर।
मुझे इस वीडियो से 14 सब्सक्राइबर मिले हैं। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब सर्च। मेरी ये वीडियो कहाँ पे जा रही है, यूट्यूब सर्च में जा रही है। जब भी कोई बंदा सर्च करता है इस वीडियो को, पल्सर मेरी ये जो वीडियो है पहले या फिर दूसरे नंबर पर दिखाई देती है। और ये मेरी जो वीडियो सर्च में गई है, इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो 554 व्यूज मुझे यूट्यूब सर्च से मिला है। रिकमेंडेशन से 245, अदर फीचर से 190, चैनल के पेज से 28। मैंने आपको बताया ना, मेरे जो इस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया था मुझे मात्र 70 व्यूज मिले थे 3 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ पे देखो मेरे चैनल के पेज से मात्र 28 व्यूज आए थे, जो कि अभी के टाइम पर मेरे चैनल पर 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे चैनल के पेज से मात्र 28 व्यूज मिले हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में व्यूज ना होने के बाद भी मेरी ये वीडियो चल पड़ी और इस पर व्यूज आ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 48 घंटे में 336 व्यूज, तो इस तरीके से इस वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कंटेंट गैप है क्या चीज़, इसको यूज कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इस वीडियो को मैंने कैसे फाइंड किया, कैसे मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर काम करना चाहिए। आप लोग मेरे चैनल पर देखते होंगे मैं एक टॉपिक पर काम नहीं करता हूँ, मैं टॉपिक चेंज करता ही रहता हूँ। कैसे करता हूँ, इसी कंटेंट गैप की मदद से। मुझे पता है कि मेरी वीडियो पर स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरी वीडियो सर्च में जाएगी, फिर मुझे व्यूज मिलेंगे। आपको कंटेंट गैप को कैसे यूज करना है, यहाँ पे देखो रिसर्च का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो। तो यही है दोस्तों YouTube का अपडेट, यही रिसर्च को आपको सही से यूज करना है। कैसे करना है, यहाँ पे जो आपको ये सर्च का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो। मान लीजिए आपका गेमिंग का कैटेगरी है, आपको यहाँ पे गेमिंग की वीडियो सर्च करनी है। आप अगर टेक रिलेटेड बनाते हैं तो यहाँ पर आपको टेक की वीडियो सर्च करनी है। अगर आप कॉपी पेस्ट यानी कि मोटिवेशनल वीडियो बनाते हो, यहाँ पर आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनानी है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं सर्च करता हूँ कि यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ कि वीडियो पर व्यूज कैसे लाएं, क्योंकि दोस्तों यही जो है सभी का प्रॉब्लम है कि वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीडियो में व्यूज कैसे लाएं, ठीक है, इतना लिख करके सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो रिसेंट ऑडियंस एक्टिविटी, यहाँ पर नो इनफ इन्फो अबाउट योर ऑडियंस, यहाँ पर देखो टाइटल आपको क्या मिल रहा है, हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो कि जब भी आप लोग वीडियो बनाते हो ना, आप लोग अपने हिसाब से ही टाइटल को डिसाइड कर लेते हो और उसी टाइटल को रख देते हो, और इसी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो आपको पहला काम यहाँ पर उस चीज़ को सर्च करना है, उसका टाइटल फाइंड करना है। यहाँ पर YouTube का जो अपडेट आया है उसमें YouTube आपको क्या टाइटल दे रहा है, तो यहाँ पर देखो आपका ये पहला टाइटल हो गया। दूसरा टाइटल देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब। तीसरा टाइटल देखो, हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब म्यूजिक वीडियो। यहाँ पर आपको 3 टाइटल यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है, तो आपको इन टाइटल को अपने वीडियो में यूज करना है। उसके बाद इस पर क्लिक कर दो। इस पर जब क्लिक कर दोगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको और सारा डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ, सर्च ऑन यूट्यूब। अब यहीं दोस्तों आपको सब कुछ पता करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कंटेंट गैप का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि यूट्यूब पर किस कंटेंट की कमी है, आपको किस कंटेंट पर काम करना चाहिए और किस टाइप की वीडियो बनाना चाहिए। यही होता है कंटेंट गैप, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि गैप का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। यहाँ पे देखो YouTube का कहना है, यहाँ पर हाउ टू चेक योर सब्सक्राइबर ऑन YouTube, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो यहाँ पर आप बना सकते हो कि YouTube पर सब्सक्राइबर को कैसे चेक करें। अगर आप इस टॉपिक पर बनाओगे तो यहाँ पर देखो हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यूज मिलेंगे और इस जो कंटेंट का गैप है बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ, हाउ टू क्लिप आ यूट्यूब वीडियो मीडियम वॉल्यूम। यहाँ पे देखो हाउ टू डिलीट योर यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कंटेंट गैप मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कंटेंट पर काम करना चाहते हो, सिंपल सा आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आना है और यहीं से दोस्तों आपको पहले कंटेंट गैप को फाइंड करना है, जो भी उसका टाइटल है, फिर आपको उस टाइटल पर वीडियो बनाना है और बनाने के बाद उसको अपलोड कर देना है। जब दोस्तों आप इस तरीके से वीडियो बनाओगे और अपने चैनल पर अपलोड करोगे, तो आपके चैनल पर जो 0 व्यूज का प्रॉब्लम है, 10 15 20 25 व्यूज का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी और फिर उसके बाद आपके वीडियो पर कभी भी 0 व्यूज नहीं आएंगे, फिर आपके वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे।